लोकेंद्र जी क्या कहेंगे आज अही रेजिमेंट का जो प्रदर्शन जंतर मंतर पे है? कि प्रदर्शन है कि सेना के ये रेजिमेंट की मांग आज की नहीं है, ये 100 साल पुरानी है और समय समय पर यादव समाज अपनी मांग को उठाता रहा है, लेकिन सरकारों ने इसको कहीं ना कहीं दबा दिया गया। अब ये यादव समाज जागृत हो गया है, अब ये ना दबेगा ना रुकेगा ना, अब ये अपने हक को लेकर के सरकार से मांगे क्या क्या है अभी? सरकार से हमारी मांगे यही है कि सेना के अंदर हमारा अही रेजिमेंट का गठन हो, ताकि ये यादव समाज के बेटे और बेटियां सरहदों पर जाकर के राष्ट्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। और हमने अभी बहुत बलिदान दिया है और हम अपने बलिदान के लिए अपना रेजिमेंट मांग रहे हैं, अपने शौर्य के लिए अपना रेजिमेंट। कहाँ कहाँ से आपके साथ सहयोग आ रहे हैं? हमारे आज यहाँ पर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बहुत सारे और प्रदेशों से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अपना समर्थन देने के लिए आए हैं, देश की सरकार की आंखें खोलने के लिए आए हैं। मैं देख रहा हूँ माता बहनें भी आई हुई हैं, बहुत बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर जो हमारी समाज की महिला शक्ति है, माता हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, वो सब यहाँ पर युवा साथी भाई बहन सब आए। धरना स्थल पर जिस तरह पर व्यवस्था है क्या कहेंगे इसके बारे में? ये एक शांतिपूर्ण धरना है और शांतिपूर्ण तरीके से यादव समाज इस धरने को देगा और सरकार की आंखों को खोलेगा। सरकार अगर नहीं सुनते यहाँ से भी तो क्या कहेंगे? अगला दूसरी रणनीति बनाई जाए आगे काम करें। अभी दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली सरकार के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह उन्होंने आपका यहाँ सहयोग किया है नहीं किया? किसी ने भी सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया, ना कोई बात सुनी ना कोई दर्दी में। जंतर मंतर पहुंचे हैं, क्या मैसेज पहुंचाना है सर? मैं सुबेदार राम प्रताप, सेना का पूर्व सुबेदार, तोपची गांव शेख का पोस्ट मंडाना, तहसील नारनौल, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा, श्रीमान मोदी और अमित शाह से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस जाति के साथ अन्याय अभी तक हुआ वो हमें मंजूर नहीं। यदि आपने दोबारा किया तो 1857 की याद उस टाइम नारनौल के उत्तर में हुआ था और इस बार जंग होगा जो नारनौल के दक्षिण से लेकर समुद्र तक होगा। यदि ताकत है तो आपको 365 दिन दे रहे हम, नहीं तो अही रेजिमेंट नहीं चाहिए, हमें हरी देश चाहिए। देश में जितनी हमारे प्रतिशत है उसके हिसाब से यदि हमारी इस प्रार्थना को रिक्वेस्ट को आपने ठुकराया तो आप जितने भी दुनिया
सेना के अंदर जो भी शस्त्र शाम दाम दंड भेद जो भी नीति को अपनाना है उसको तैयारी के लिए आपको 365 दिन दे दिए हैं। जितने भी आदमी थे उन्होंने तो केवल दलाली और बढ़वे का काम किया है। कोई प्लाट में बिक गया, कोई पौवे में बिक गया, कोई राज में बिक गया, कोई भोग में बिक गया। तो इस गलती को दोबारा मत कर लेना। यदि आपको इसमें शक हो तो 2024 में देख लेना कि जब शांति होती है वही तो उन्नति और विकास होता है। हमने शांति से, क्योंकि जहां पानी शांत होता है बहुत गहरा होता है, बहुत गहरा होता है, और उस गहराई को समझने की चेष्टा करें। क्योंकि जब पानी में उबाल होता है तो कुछ नहीं दिखता है। हमें पानी में खून में उबाल नहीं लाना। ये योगेंद्र यादव यार आपको आश्वासन दे रहा है, ये अहीर रेजिमेंट बनेगी बनेगी बनेगी। योगेंद्र यादव जिंदाबाद, योगेंद्र यादव जिंदाबाद। साथी माताएं बहनें बुजुर्ग प्रदेशों से, झारखंड से, बिहार से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से, गुजरात से, हरियाणा से और दिल्ली और अन्य तरीके अन्य प्रदेशों से जो युवा साथी आए हैं, आप समर्थन देने के लिए आए हैं, आप अहीर रेजिमेंट की ताकत बनने के लिए आए हैं। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको